बुलंदशहर के सिकंदराबाद में 4 साल के मासूम की अगवा कर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। यहां 4 साल के मासूम को अगवा कर लिया गया, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद जांच करने के दौरान मासूम का शव बच्चों के पिता की तहरीर पर लड़के की माँ और उसके प्रेमी रिश्तेदार अरुण कुमार के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से संवाददाता उदय यादव की रिपोर्ट। 4 साल का बच्चा जो है वो गायब हो गया है। आरोप जो था एक इन्हीं के रिश्तेदार है उसके ऊपर था, जिसका नाम अरुण कुमार है। इनका बताया गया है कि जो बच्चे की माँ है उनसे कोई संबंध थे, और ये गए हुए सिकंदराबाद में। रीना जो उसके बच्चे की माँ है अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी, वहीं से बच्चे को आरोप उठा ले गया था। रात में जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उसकी छानबीन करनी शुरू की, उसका लोकेशन निकलवाया गया। उसका लोकेशन 4 साल का बच्चा जो है वो गायब हो गया है। जनपद बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक 4 साल के मासूम बच्चे को अगवा किया गया है। आपको बता दें कि अगवा करने वाला कोई और नहीं, बच्चे की मां का ही प्रेमी बताया जा रहा है। इस घटना को अंजाम उस समय दिया गया जब बच्चे की मां अपने ही बहन के यहां पर आई हुई थी। बच्चे की घटना की अगवा होने की घटना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने आरोपी की लोकेशन को ट्रेस किया। ट्रेस करने पर आरोपी को मुरथला के पास से गिरफ्तार किया गया है। उसी की निशानदेही पर बच्चे के शव को एक बाग से बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि माँ बच्चे के पिता की तहरीर पर बच्चे की माँ और उसके प्रेमी अरुण कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। जनपद बुलंदशहर से उदय यादव की रिपोर्ट, MKN न्यूज़।